हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दूध सागर की वीडियो। तो देख सकते हैं आप कितना सुंदर लग रहा है। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। और देखिए, हम बस रेडी हो गए हैं दूध सागर जाने के लिए। और आज हमने सेकंड डे जो है वही वाली अपनी थार रखी। आज हमने गाड़ी चेंज नहीं की है क्योंकि हमने जो थार है 2 दिन के लिए ली थी। और फ्रेंड्स, हम निकल चुके हैं दूध सागर के लिए और मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है और हो रही है बाहर बारिश, जैसे कि आप देख रहे होंगे। बहुत ही प्यारा मौसम है, गर्मी तो हमें बिल्कुल भी यहाँ पे लगी ही नहीं। और बारिश होने के कारण हमने और ज़्यादा अपनी ट्रिप को एंजॉय किया है। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा मौसम है। और फ्रेंड्स, हमारे जो होटल से लेके दूध सागर तक का जो रास्ते का टाइम है वो है 2 से 2.5 घंटे। तो बाकी देखते हैं, बारिश के कारण कोई प्रॉब्लम नहीं आती तो हम 2 से 2.5 घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे। और वैसे भी वहाँ दूध सागर तक पहुँचने का जो टाइम होता है वो 4 बजे तक ही होता है। उसके बाद दूध सागर जाने का रास्ता वो लोग बंद कर देते हैं, उसके बाद वो वहाँ नहीं जाने देते। तो हमने यही सोचा है कि 2 से 2.5 बजे, मतलब 2.5 बजे तक हम वहाँ पर पहुँच जाएँ। तो अभी देखते हैं कितना टाइम हमें लगता है वहाँ पर, बाकी हम अपनी ट्रिप को खूब इंजॉय करते हुए जा रहे हैं। तो चलिए, आ गया है कुछ खाने पीने का टाइम। तो यहाँ पे बीच में हम एक शॉप दिखी जहाँ पे नारियल पानी था और पाइनएप्पल था, तो उसके लिए हम यहाँ पे रुक गए हैं। तो सबने नारियल पानी पिया, नारियल पानी बहुत ही मीठा था और मैंने लिया, हमने यहाँ पे खाया पाइनएप्पल। तो फ्रेंड्स, पाइनएप्पल भी यहाँ पे कुछ अलग ही था, बहुत ही जूसी और बहुत ही ज़्यादा मीठा था। तो ये आप देख सकते हैं, मेरे हाथ में एक चिप्स का पैकेट है। तो इन्होंने ये पैकेट जो है चिप्स का, ये इन्होंने कटहल का बनाया हुआ था। तो कटहल का जो ये चिप्स थे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे और नारियल पानी भी बहुत ही मीठा था। तो बस हो गया है खाना पानी, तो चलिए अब निकल लेते हैं क्योंकि हमें वहाँ का टाइम भी देखना है। तो हम अपने होटल से 12 बजे निकले थे तो उसके अकॉर्डिंग हमें 2.5 बजे तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए, जैसे कि हमें लग रहा था कि 2-2.5 घंटे में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। और वैसे रोड तो देखिए, आप देख रहे होंगे बिल्कुल खाली है, तो जल्दी से वहाँ पहुँच जाते हैं, नहीं तो जो आज का दिन है हमारा ख़राब हो जाएगा अगर हमें वो बंद मिल गया तो। अब हम बीच में सोच रहे हैं कि कहीं पर भी नहीं रुकेंगे और जल्दी जल्दी वहाँ पहुँच जाएंगे। और बस 5 या 10 मिनट के बाद हम दूध सागर पहुंचने वाले हैं। और आप भी वीडियो को फुल वॉच कीजिए और पूरा एंजॉय कीजिए। और साथ के साथ मैं साइड के व्यू दिखा रही हूँ, मैं कितने सुंदर व्यू है देखें यहाँ पे। ये देखिए, बारिश के कारण बहुत ही सुंदर हो रखा है यहाँ पे। और गाड़ी मिल जाएगी या चलना पड़ेगा? अरे इधर से ज्यादा दूर नहीं, इधर से मैं तुमको ड्रॉप भी कर सकता हूँ। चलो लगा दो, सब हो जा रहे हैं। नहीं, आगे तक तो गए, सब पैदल चलना पड़ेगा। ये कल वाला काम हो गया भैया, रोक ले एक मिनट जो गाड़ी एक बार इससे पूछो ये ड्रॉप करेगा वहाँ पे। हमें कहाँ तक चलना पड़ेगा पहले पूछो। पूछ भी बोल ली, हमें पैदल कहाँ तक चलना पड़ेगा? पैदल कहाँ तक चलना पड़ेगा? अरे पैदल तो मैं तुमको जिप्सी कब दे देते, ठीक है? जिप्सी से ड्रॉप करेगा। जिप्सी का ड्रॉ लेफ्ट लेफ्ट करा वो, और लेफ्ट लेके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कर दी अपनी गाड़ी पार्क क्योंकि ये मना कर रहे थे, क्योंकि कल भी हमने एक गलत जगह पर गाड़ी पार्क कर दी थी जिससे कि हमें बीच पे जाने के लिए बहुत ज़्यादा चलना पड़ा था। तो बस अब गाड़ी खड़ी करके चलते हैं अंदर की तरफ। और यहाँ पे हमने ये जो गाड़ी है 3500 रुपये में बुक हुई करवाई है, और लाइफ जैकेट अलग से है, तो एक लाइफ जैकेट के 70 रुपये इन्होंने लिए हैं। बाकी ऐसे ये बता रहे हैं कि अगर हम ऊपर लेट करते हैं, तो जैसे कि अगर हम 1 घंटा लेट करते हैं उतरने के लिए तो उसके 300 रुपये बनते हैं, और अगर 2 घंटे करेंगे तो 600 रुपये बनेंगे। तो उसी हिसाब से जैसे कि इन्होंने हमें 1 से 1.5 घंटा दिया है, हमें उस 1.5 घंटे के अंदर वापस आना है, नहीं तो हमारा चार्ज लगेगा 300 रुपये 1 आवर का। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम टाइम से अपना नीचे की तरफ उतर आएंगे क्योंकि फिर टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा। और चलिए चलते हैं आगे की तरफ, और यहाँ पे भी कुछ टिकट वगैरह कटते हैं और फिर गाड़ी जो है अंदर की तरफ जाती है।
तो ये मुझे पता नहीं इन्होंने कितने का कितने पैसे यहाँ पे दिए हैं। इन्होंने हम लोगों को गिना था कि हम लोग कितने जने हैं और हमसे पूछ के इन्होंने पैसे उनको दिए हैं। और साइड में आप देख सकते हैं सारा जंगल ही जंगल है। और यहाँ से जैसे कि आप रास्ता देख रहे होंगे, पूरा रास्ता ऐसा ही टूटा फूटा पानी वाला, मतलब थोड़ी थोड़ी दूर के बाद पानी है और ऐसे ही टूटा वूटा रास्ता है और साइड में जंगल चल रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारे जो है जानवर भी हैं अंदर, जैसे कि बता रहे हैं। तो अभी तो जैसे यहाँ पे अभी लोग आ रहे जा रहे हैं, तो ये लोग नीचे की तरफ जानवर नहीं आते हैं, नहीं तो रात वगैरह में वो नीचे उतर भी आते हैं कई बार, क्योंकि मेरे ख्याल से 6 बजे के बाद ये बिल्कुल बंद हो जाता है, शांत हो जाता है बिल्कुल। ये देखिए पूरा जंगल है यहाँ पे। और यहाँ साइड में आप देख सकते हैं शायद किसी का घर है। और दूध सागर आपको जब भी जाना है तो आप अपना कुछ मतलब खा पी के जाएं, क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं है, चाय तक नहीं मिलती है। और अगर आप खा पी के नहीं जाएंगे तो आप भूखे ही रह जाएंगे। और ऊपर प्लास्टिक भी ले जाना बिल्कुल मना है। तो देखिए हम यहाँ पहुँच चुके हैं। तो ये जो जंगल का पूरा रास्ता था ये कम से कम 9 से 10 किलोमीटर था, और पूरा 10 किलोमीटर रास्ता पूरा ये ऐसे ही टूटा फूटा है। और गाड़ी का इन लोगों को एक्सपीरियंस होता है तो ये बहुत जल्दी वहाँ तक हमें पहुँचा देते हैं। तो चलिए हम दूध सागर की तरफ चलते हैं। अब ये जो रास्ता है इसमें हमें मतलब पैदल ही जाना है, और ये पूरा ट्रैकिंग का रास्ता है। तो चलिए ये रास्ता भी देखते हैं कैसा है। अभी तो बहुत मुझे छोटा दिखाई दे रहा है ये रास्ता, ये देखिए। और पत्थर पत्थर कितने बड़े छोटे पत्थर हैं, तो ध्यान से ही चलना पड़ेगा नहीं तो आपके पैरों में भी चोट आ सकती है। और जैसे कि हम गाड़ी से उतरे थे तभी उन्होंने हमें कह दिया था कि जो अपनी लाइफ जैकेट है वो आप पहन लीजिए। और यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए देखिए एक छोटा सा पुल बनाया गया है, और वो भी पानी के ऊपर है, बहुत ही पतला सा पुल था ये देखिए। और पानी आप देख रहे हैं कितना क्लियर है, यहाँ पे गंदा पानी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही साफ पानी है यहाँ पे, और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे शांति है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं दूध सागर के बिल्कुल पास, और सामने एक पुल देख रहे होंगे। तो ये जो पुल है यहाँ से चेन्नई एक्सप्रेस जाती है, और दूध सागर में काफ़ी भीड़ है देखिए। और साथ में आप यहाँ देख सकते हैं साइड में पानी चल रहा है, काफ़ी क्लियर पानी है। ये लोग रुक रुक के यहाँ पे फ़ोटो भी क्लिक करा रहे हैं। तो चलिए हम चल देते हैं जल्दी से ऊपर की तरफ। और साइड में एक छोटा सा ये बॉक्स है, तो यहाँ पे आप कपड़े चेंज कर सकते हैं। और बस चलिए हम पहुँच गए हैं दूध सागर, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है ये देखिए। अभी तक तो मैं होटल से यही सोच के आई थी कि मैं दूध सागर में नहाऊंगी, बट यहाँ का पानी और गहराई देख के तो मुझे डर ही लग गया, और मैं तो बस पत्थर पे ही बैठी रह गई। और वैसे ज़्यादातर कोई भी नहीं नहाया डर के मारे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गहरा है। और जैसे कि मेरे देवर बता रहे थे, वो पहले भी आए थे, अचानक से उनका पैर नीचे की तरफ चला गया तो वो अनबैलेंस हो गए थे और बड़ी मुश्किल से संभले थे। तो बहुत ही कम लोग पानी में नीचे उतर रहे हैं, बाकी साइड में काफ़ी भीड़ है, लोग फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं और बस बैठ के ही इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ बच्चे भी हैं। और ये देखिए मेरे लाडले को, तो पत्थर पे बैठ के बस ऐसे ही मस्ती कर रहा है, और इसे पानी में जाना है बट मैं इसे भीज रही हूँ, मुझे खुद डर लग रहा है, काफ़ी गहरा पानी है। तो हम जितने लोगों में जितने भी लोग गए थे, तो उसमें सिर्फ जो मेरे शेंगी भैया हैं वो ही पानी में उतरे थे, और कोई भी पानी में नहीं उतरा था, सबको बहुत डर लग रहा था। जैसे जो भी नीचे उतर रहा था उनको काफ़ी गहरा लग रहा था, तो उस कारण से कोई भी पानी में ज़्यादा देर रुका नहीं। सौरभ भैया गए थे, वो भी आ गए थे वापस।
और ये देखिए, आप इनको देख के आइडिया लगा सकते हैं कि पानी कितना गहरा है। तो और पानी में भी आप देख सकते हैं साइड में कितनी भीड़ है, और मतलब पानी में कितने लोग हैं। तो बहुत ही कम लोग पानी में उतरे थे। और ये देखिए, ये दूध सागर की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पे काफ़ी गहरा है। तो मैंने इन्हें कहा कि बस ज़्यादा दूर मत जाओ, डेंजरस हो सकता है। तो बस ये आ गए थे वापस। और फ्रेंड्स, बस अब हो गया है टाइम जाने का, तो चलिए अब चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अब आ गए हैं गाड़ी के पास अपने टाइम से, तो हमें कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ा। तो चलिए चलते हैं वापस नीचे की तरफ। वापस नहीं, एक आदमी नहीं, मैं आया तो मैं भी हूँ। और फ्रेंड्स, पहुँचते पहुँचते हो गई है रात, और तो हो गया है डिनर का टाइम। तो बीच में भी हम रुके थे एक जगह खाने के लिए, तो वो वीडियो मैं कवर नहीं कर पाई हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम डिनर करेंगे बीच पे। तो चलिए देखते हैं रात में बीच कैसे लगते हैं, और आपको भी मैं दिखाती हूँ, आप भी इंजॉय कीजिए। तो हम जा रहे हैं बीच की तरफ, अभी हम मार्केट में हैं। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं बीच पे। तो आपको मैं दिखा रही हूँ पूरा बीच कितना इन्होंने डेकोरेट कर रखा है यहाँ पे, और छोटी छोटी हट भी बना रखी है, और उसमें लाइटिंग भी बहुत ज़्यादा है, और साथ में हर जगह पे इन्होंने अपने उसमें म्यूज़िक सिस्टम भी लगा रखे हैं। बट मैं वो म्यूज़िक आपको सुना नहीं सकती, नहीं तो जो मेरी वीडियो पे है कॉपीराइट आ जाएगा। बाकी मैं वीडियो आपके साथ शेयर ही कर रही हूँ, देख सकते हैं आपने कितना प्यारा इन्होंने सजा रखा है पूरे बीच को। तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि जैसे कि यहाँ पे रात हो रही है, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी दिन ही हो रहा है। पूरी पब्लिक यहाँ पे है, और हम भी यहाँ पे काफ़ी टाइम तक रुके थे, तो 1 से 2 बजे तक तो यहाँ पे ऐसा लगता ही नहीं है कि रात हो गई है। तो चलिए ज़रा अच्छी सी जगह देख के जहाँ पे हमें पसंद आता है वहाँ पे डिनर करते हैं, और उसके बाद चलेंगे अपने होटल, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो जाएगा, अभी भी काफ़ी टाइम हो गया है। और चलिए देखते हैं।
तो फ्रेंड्स हमारा हो गया है डिनर और खाना यहाँ का बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था और बस रात के बज गए यहाँ पे 1 से 1.5 बज रहे होंगे। बस हम चलेंगे अपने होटल और जो क्रूज़ पे हमें फ्रेम मिले थे वो मैं आपको दिखा नहीं पाई थी, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।